तो बढ़िया होंगे। तो अपने फिर से एक स्कॉर्पियो S5 मॉडल है जो इसमें अपना बेसिकली सारा है अपना काम होने वाला है, जो अपना S5 कन्वर्ट S11 बनने जा रहा है। तो मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में देख सकते हो अपना कुछ इस तरीके से रहता है। तो अपना अपना IPS का प्रोजेक्टर, इसमें अपना LED डालना है जो अपने कैनवास LED 130 वाट का LED डलेगा, तो क्रिस्टल आई की तो प्रोजेक्टर प्लस में इसमें क्रिस्टल आई की LED। और हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट नॉर्मल अपना स्टॉक कुछ अपना इस तरीके से देख पा रहे होंगे, जिसमें अपने DRL यहाँ पर डलेगा, प्लेन वाले DRL जो हेडलाइट अपना इंस्टॉलमेंट खुल के अपना होता है, उसमें DRL लगता है इसमें यहाँ पर, जो कि अपना डुअल कलर में होता है, जो अपना व्हाइट भी होता है उसमें इंडिकेटर भी होता है। तो एक ग्रिल की बात करें तो ग्रिल अपना नॉर्मल जो अपना S5 में ब्लैक आ रहा है तो अपने खुल चुका है, उसमें प्रॉपर अपना S11 वाले जो ग्रिल डलेगा, जो प्रॉपर अपना क्रोम वाला होते हैं जो इसका बनवा रही प्रॉपर चल रहा है वो वाला डलेगा। और इसमें अपना प्रॉपर अपना वेलकम का एक ABS कार्ड भी लगेगा, वो भी मैं आपको लगने के बाद चेकअप करा दूंगा। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में इसमें अलॉय में इसमें कोई भी इससे चेंजेस नहीं है, अपना स्टॉक रहने वाला है। अब मिरर इसमें अपना ऑटोमेटिक डलने वाला है जो प्रॉपर अपना S11 में आता है, जो अपना अंदर से मोटराइज होता है। एक इसमें अपना दरवाजा लगेगा जो कि अपना गैलियो कंपनी का जो प्रॉपर अपना ब्लैक आता है, कंपनी के तरफ से इसमें अपना रोक रेल लगा हुआ है जो प्रॉपर अपना महिंद्रा जर्मन है। और ये रियर की बात करें तो रियर देख सकते हो अपना महिंद्रा जनवन, इसमें अपना रियर सोलर डलने वाला है, ठीक है अपना महिंद्रा अपने डीपल अपना महिंद्रा जनवन अपना डिपिलर भी डलने वाला है। आप इसमें एक रिफ्लेक्टर बम्पर पट्टा एक अपना रियर गार्ड है, सारा अपना इंस्टॉलमेंट होने वाला है। साथ में सिस्टम की बात करें तो सिस्टम से अपना पहले अपने आता है डंपिंग में, सिस्टम से पहले अगर डंपिंग आता है तो डंपिंग आप देख पा रहे होंगे जो अपना ये डॉक्टर आर्टिस्ट की डंपिंग है, जो उसमें अपना डबल लेयर डंपिंग होने वाला है, जो देख पा रहे होंगे अपना ऊपर से पहले इसमें पीछे भी इसमें देख सकते हो डबल लेयर डंपिंग है, जो अपना बैकग्राउंड पर भी लगा हुआ है, अपना अपर भी लगा हुआ है। तो देख पा रहे होंगे अपना डिग्गी में डबल लेयर, बीच वाले डोर में इतना नहीं रहने वाला। अपना फ्रंट की डोर की बात करें तो फ्रंट डोर में भी देख पा रहे होंगे अपना डबल लेयर डबल लेयर डंपिंग होने वाला अपना फ्रंट की दोनों डोर में। साथ में अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम इसमें डलने वाला अपना एंड्रॉइड जो अपना अल्फार्ड कंपनी का है, 2GB 16GB इंटरनल के साथ देख पा रहा हूँ। बाकी इसमें स्पीकर की बात करें तो अपना पायनियर का सारा सेटअप डल रहा है, स्पीकर देख पा रहे होंगे अपना पीछे डोर में अपना पायनियर की ओवल 400 वाट की। और वही फ्रंट की बात करें तो फ्रंट देख पा रहे होंगे अपना पायनियर कंपोनेंट देख पा रहे होंगे। साथ में इसमें फ्रंट की बात करें तो इसमें देख पा रहे होंगे जो अपना प्रोजेक्टर जो डल रहा है IPS का, इसमें अपना LED डलने वाला है कैमरा। साथ में इसमें अपना सेंटर लोग देख पा रहे होंगे, कैमरा ब्लॉक होगा वाइड एंगल। बाकी इसमें सारा और में सारा काम होने वाला है, जैसे कि मिरर इसमें ऑटोमेटिक देख पा रहे होंगे, अपने नॉर्मल अपने देख सकते हैं मिरर खुल के अपना अपना ऑटोमेटिक डलने वाला है। साथ में इसमें एम्पलीफायर डलने वाला मिचिंग के लिए जो अपने चारों स्पीकर को अपना ऑपरेट करेगा देख पा रहे होंगे। जो भी इसमें सारा सामान डलेगा मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। साथ में इसमें फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग देख पा रहे होंगे कुछ अपने देख सकते हैं ब्लैक में अपना ब्लैक भर चुके हैं फ्लोर में प्रॉपर वाटर प्रूफ। साथ में सीट वर्क की बात करें तो सीट वर्क देख पा रहे होंगे कुछ अपने नॉर्मल स्टॉक कुछ अपना इस तरीके से आता है, जो अपना सीट वर्क डलने वाला प्रॉपर हाई सपोर्ट वाली जो उसकी बहुत ही बढ़िया फिटिंग आने वाला है, जो मैं लगने के बाद मैं आपको सारा चेकआउट करा दूँगा। बाकी इसका सारा प्रोसेस से काम चल रहा है, बाकी सब कुछ होने के बाद मैं आपको लास्ट में एक करके मैं आपको सारा सामान का रिव्यू दे दूँगा। स्कॉर्पियो की बात करें तो फाइनली अपना स्कॉर्पियो अपना कंप्लीट हो चुका है, बस एक अपना ग्रिल का काम रह गया। तो इसमें अपना दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते अपना हेडलाइट में जो अपने DRL डला है तो अपने देख सकते हो टुकड़ी वाली DRL लगा जो अपना डबल कलर में, वो भी मैं आपको चेकअप करा दूँगा। बाकी अगर लाइटिंग की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अपना स्टॉक रहने वाला है बल्ब जो भी येलो कलर की। और प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर देख सकते हो अपना IPS का प्रोजेक्टर, जिसमें अपना 130 वाट की इसमें LED डला है जो कि अपना क्रिस्टल आई की है देख पा रहे होंगे। वही अगर फ्रंट की ABS गार्ड की बात करें तो ABS गार्ड देख पा रहे होंगे जो प्रॉपर अपना वेलकम के अपने प्रॉपर उसमें ABS गार्ड रहने वाला है, जो चेक कर पा रहे हैं कुछ अपना फ्रंट के लोग। बाकी एक ग्रिल लगने के बाद मैं आपको वो भी चेकआउट करा दूंगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें अलॉय में कोई चेंजेस नहीं है, ना फुटरेस्ट में कोई चेंजेस है। फुटरेस्ट में ऑप्शन है जैसे कि आप S11 वाला फुल ब्लैक फुटरेस्ट और अपना फोन ही लगवा सकते हो। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में देख सकते हो अपना नॉर्मल अपना फुल ब्लैक अपना गैलियो कंपनी का दरवाजा रहने वाला है, जो अपना 6 पीस का सेट होता है, 1 2 3 3 उधर 6 पीस का सेट होता है। बट महिंद्रा ने अपना रूपरेल अपना महिंद्रा वाले से तरफ से लग के आया हुआ जो कि अपना महिंद्रा जर्मन है। और साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर देख सकते हो अपना प्रॉपर अपना S11 वाली मिरर है, जो अपना अंदर से अपना एडजस्टिंग है मैं आपको भी चेकअप करा देता हूँ, जो अपना महिंद्रा जर्मन है। जो अपना S5 की जो अपना मिरर यहाँ पर डंडी आता है अपना वो हटा के अपना प्रॉपर अपना ओरिजिनल लगाया गया हुआ है। स्विच के एडजस्टमेंट आप चेकआउट कर सकते हो कुछ अपना अलग रहने वाला है। इसके टोटल रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया जाता है अपना पायनियर की देख सकते हो प्रॉपर। बाकी अगर पीछे की बात करें तो पीछे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि अपना फुल ब्लैक अपना रियर गार्ड जो देख सकते हो अपना प्रॉपर एक रिफ्लेक्टर चेकआउट कर सकते हो अपना स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। रियर गाड़ी इसमें चेंजेस नहीं है क्योंकि भैया पसंद था फुल अपना ब्लैक चाहिए, इसमें कोई क्रोम की चाहिए था अपना फुल ब्लैक। कैमरा इसमें चेक कर सकते हो प्रॉपर अपना ब्लॉक पंखा वाइड एंगल के साथ, एक अपना पाइपर इसमें लगा जो अपने वर्किंग के साथ जो अपना ऑटो कट है, महिंद्रा जनवन स्कॉलर चेक कर सकता हूँ।
प्रॉपर यहाँ पे विदाउट क्लेम के साथ एक महिंद्रा डी प्लस चेकअप कर सकते हो प्रॉपर अपना। ग्रिल की बात करते हैं, ग्रिल देख सकते हो अपना महिंद्रा जेन्युइन प्रॉपर अपना ग्रिल रहने वाला है, जो देख सकते हो प्रॉपर अपने में जो पहचान है अपना प्रॉपर यहाँ से अपना क्रोम पोस्टर मिलता है। एक होता है अपना मार्केट जहाँ के फेस्टिंग होता है, जो अपना फेस्टिंग में फुल कवर किया जाता है, वो अपना मार्केट यहाँ से भी अपना क्रोम के ऑप्शन आता है, तो दोनों ऑप्शन वो भी होता है। बट महिंद्रा जेन्युइन प्रॉपर जो लॉक वाला सिस्टम होता है, तो देख पा रहे हो कुछ अपना। जो अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको डोर खोल तो कुछ अपना इस तरीके से आपको देख पा रहे होंगे, अपने आप एक डोर पे अपना रैपिंग हो रखा है जो प्रॉपर अपना सीट कवर के मैचिंग के हिसाब से देख सकते हैं। एक वेलकम बट देख सकते हो वेलकम लाइट, क्योंकि इसको अभी ब्रांड नहीं रखा, बाकी तो लाइट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाकी फ्लोरिंग भी एक चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर अपने बर्फी सब में, अपना वाटर प्रूफ देख पा रहे होंगे। बाकी मैट इसके ऊपर वाले मैट अपना भैया का पहले का स्टॉक रहने वाला है। बाकी सीट कवर की बात करें तो सीट कवर देख सकते हो ब्लैक एंड ऑफ टेन में जो हम कह सकते हैं उसको प्रॉपर अपना थाई सपोर्ट के साथ, तो फिटिंग चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर अपना थाई सपोर्ट के साथ प्रॉपर बकासा में जाने वाला है। कहीं से भी आपको रिंकल देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर ओएम शेप में फिटिंग है। एक ऑप्शन हाथी भी लगाया गया हुआ जो देख सकते हो जो इस पाइप में नहीं आता है। बाकी सिस्टम की बात करें तो इसमें देख सकते हो अपने अल्फार्ड की सिस्टम रहने वाला है 9 इंच में, 2 GB रैम 16 GB इंटरनल के साथ प्रॉपर 2 GB रैम है देख पा रहे होंगे। और स्टेरिंग रैपिंग की बात करें तो स्टेरिंग रैपिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि प्रॉपर देख सकते हो प्रॉपर अपने S11 वाली जो प्रॉपर अपने 2 कट के साथ देख पा रहे होंगे। एक स्टेरिंग बटन जो कि महिंद्रा जेन्युइन, एक अपने से निकला शोल्डर चेकआउट कर सकते हो आप। बाकी इसमें लाइट का भी वाइट करवा सकते हैं, मेरे भैया की चॉइस नहीं था देख पा रहे होंगे आप। मिरर की बात करें तो मिरर आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर अपना महिंद्रा का जेन्युइन है, जिसकी सोच आपको यहाँ से एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक बार चेकआउट भी करा देता हूँ, जैसे कि अपना राइट का मिरर कहना है तो अपना राइट करके अपना देख पा रहे होंगे। आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर सकते हैं एडजस्टमेंट जो अपना टॉप मॉडल में होता है। बाकी स्टेयरिंग एक बार चेकआउट कर सकते हो फिर से आप। बाकी सीट कवर की बात करें तो सीट कवर मैं आपको एक बार पीछे का भी दिखाना चाह रहा हूँ, देख सकते हो फिटिंग प्रॉपर। भाई गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप चाबी लगाते हो आपको यहाँ पे वेलकम टू स्कॉर्पियो भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको निकाल चुका हूँ देख सकते हो आप। वेलकम टू स्कॉर्पियो देख पा रहे, फिर से मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। वेलकम टू स्कॉर्पियो, जैसे आप चाबी लगाते हैं आपको वेलकम टू स्कॉर्पियो के भी ऑप्शन मिलता है, तो वो भी आप लगवा सकते हो, वो भी हमारे काउंटर से। बाकी इसमें देख पा रहे होंगे फुल काम का जो भी अपना इंटीरियर मॉडिफिकेशन है, एक बार देख सकते हो प्रॉपर आप। बाकी एक बार इसमें वाइपर के मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, जो अपना इसमें वाइपर लगा अपना ऑटो कट वाइपर लगा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देख पा रहे होंगे आप। एक बार इसमें पानी का भी देख सकते हो आप प्रॉपर देख पा रहे आप। बाकी एक बार मैं आपको पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, जो अपना गाड़ी अपना एक्स्ट्रा रहने वाला है देख सकते हैं। एक बार फ्रंट से मैं आपको दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि तुमने इस तरीके से रहने वाला अपने फ्रंट के लिए जो अपना ग्रिल लगने के बाद कुछ तुमने इस तरीके से ऑप्शन आने वाला है। बाकी एक बार मैं आपकी लाइट की रिस्पॉन्स की बात करें तो मैं आपको इंडिकेटर भी इसमें जला के दिखा देता हूँ। जो कि मैट्रिक्स अपना इंडिकेटर रहने वाला है।
भाई इस स्कॉर्पियो का मैं आपको फ्रेंडली अपना दिखा चुका हूँ, बाकी व्हाइट स्कॉर्पियो देख सकते हो, एक कहाँ पे ब्लैक स्कॉर्पियो देख सकते हो। तो इसका आपको एक पर्सनल वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें पुल का डंपिंग है सारे इसमें काम है, तो इसका भी आपको एक पर्सनल वीडियो आपको देखने की बात करें तो सिस्टम है इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि अपने 9 इंच एंड्रॉइड लगा है, जो अपने अल्फार्ड की ब्रांड में रहने वाला है, 2 GB रैम 16 GB इंटरनल के साथ। साथ में स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर देख पा रहा हूँ, ये अपना पाइनियर कॉम्पोनेंट है, जिसमें टोटल प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे स्पीकर लगाया जाता है, टोटल प्लेसमेंट यहाँ पे लगाया गया हुआ है। पीछे की ओवल की बात करें तो पीछे अपना ओवल जो इसमें लगा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पाइनियर के, इसमें 400 वाट की ओवल देख पा रहा हूँ। और एक चारों स्पीकर को अपना ऑपरेट करने के लिए इसमें 4 चैनल का एम्पलीफायर लगाया गया हुआ है, देख पा रहा हूँ एक मिशिगन का 4 चैनल जो चारों स्पीकर को अपना ऑपरेट करने के लिए, इसकी साउंड आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी इसमें डंपिंग की बात करें तो अपने आपको वीडियो में शुरू में दिखा दिया था, जो कि अपना डॉक्टर आर्टिस्ट की डंपिंग है, आगे की दोनों डोर डबल लेयर और डिग्गी की डबल लेयर डंपिंग है, जो देख पा रहे होंगे कुछ अपना इस तरीके से अपने डॉक्टर आर्टिस्ट की डंपिंग रहने वाला। बाकी इसका आउटपुट आ गया, मैं जो आपको आउटपुट सुनाने जा रहा हूँ, जो आपका आउटपुट सुन के बता देना, जो भी आप पसंद आए तो एक बार कमेंट में आपको आउटपुट के बारे में ज़रूर बताना। आउटपुट आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, बाकी वीडियो करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।